अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिनी खान और हमारे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल बासित खान। वालेकुम अस्सलाम जी अब्दुल बासित खान, क्यों हंस रहे हैं इतना बासित, ये तो बैड मैनर्स है। अच्छा बताएं हम लोग क्या देखने वाले हैं। हम देख रहे हैं राउंड टू हेल की वीडियो है और डेफ पार्ट टू है, इसका पार्ट वन कर चुके हैं। अच्छा हाँ। आज तीसरे महीने में तुम्हारी कोर्ट में तीसरी पेशी है और हो सकता है आज कोर्ट में फांसी की सजा सुना है। ये क्या बात हुई दरोगा साहब, मंडल चोरी करने पे फांसी की सजा? मंडल चोरी करने पे नहीं, तुमने कुछ चोरी चुराया था। नहीं दरोगा साहब, नाजिम तुम भी गलत बोल रहे हो, तुम भी बॉडी ऋतिक रोशन की बढ़िया। ऐसे साले को चुप करा ले तू, इसने मेरे कानों में दर्द कर रखा है 3 महीने से, अब तुझे समझ में ना आता तो चुपके बुला रहा है तू। मुझे क्या पता ऑटो में चौथा पहिया क्यों ना होता है। इन साल ने सर में दर्द कर दिया मेरे, बड़े रोग यार सिगरेट पी लिया। अबे ये दरोगा फोन पे बात कर रहा है, इस टाइम मौका है भागने का, प्लान बनाओ इस गाड़ी से जल्दी से। हाँ लेकिन इतनी अंधेरी काली रात में गाड़ी चलाएगा कौन। बिल्कुल सही कह रही है, NH24 से चलो। वसीम एक काम कर, गाड़ी तू चला। की डू यू लव मी? जल्दी करो दरोगा आ जाएगा, जैन तू चला ले। हाँ सही कह रही है, कोल्ड ड्रिंक 2 लीटर की लेंगे रास्ते में। सतरी के पावन भोकर भी चलानी पड़ेगी। रॉकेट बना दे रॉकेट, मुंबई से पहले मत रोक दिए डाल गेयर। ये कैसा गियर है वसीम, विदेशी कंपनी की गाड़ी है तो बड़ा मुलायम गियर दे रही है कंपनी। नाजिम कार का गियर डाल यार, मेरा गियर मत डाल। गियर डाल, मैं नहीं खोलूंगा इसकी फाइल भाई। तीन नलाकों ने खून के रखा है मेरा तो। ओके दरोगा साहब ओके। आमची मुंबई सपनों का शहर। गर्मी कैसे हो रही है मरीन ड्राइव पे इतनी आज? तुम्हें मैंने इसलिए चुना है क्योंकि तुम्हारे निशाने के चर्चे बहुत दूर दूर तक हैं, और मैंने ये भी सुना है शूटर मूवी में तुम्हारा खलेरा भैया था, और मैंने ये भी सुना है तुम आँख मीच कर निशाना लगा देते हो और वो भी बिल्कुल ठीक। नहीं बोल वो कर जिंदा गाल पे मारा है, गाल पे खागा। अब यहाँ से कैसे निकलेंगे दरोगा साहब? मुंह उतार दिया जान को, ये तो बताना रिया। अरे ये सुन नहीं सकता ना दरोगा साहब? अबे भौसले के बोल तो सकता है वसीम। भोसड़ी के गाली बके जा रही है, अबे नाजिम 3 बार अम्मी को गाली बक दिया इसने, ये सोच रही आवाज ना आती है मुझे, टना टना आवाज, अबे नाजिम आवाज ना आती है मुझे। हाँ तो आती ना है ना बहन, वही वाले बढ़िया सत्री के। आज के बाद मत बक दिए गाली, साले तेरी गांड फाड़ के स्वेटर बुन दूंगा जाड़ो तो।
दरोगा साहब मूत लग रही है, दरोगा साहब देखो मैं कह रहा हूं लोंडे को मूत लग रही है, लोंडे की किडनी फेल है, कैंसर एचआईवी पीरियड्स, एक गांड है लोंडे की। गाड़ी रुकवा दरोगा साहब, मैं मुद्दा कहता हूं। तू क्यों जाएगा? अरे दरोगा साहब रास्ता ना पता नहीं, इसे ना देखा ना, मैं दिखा दूंगा इसे झाड़ियों का रास्ता किधर है। ये बात तो ठीक है, रोक लिए गाड़ी, घनी झाड़ियों में मुद पाऊंगा। ना ना एक वाफी ना बढ़िया लगे तरीके, यहां की झाड़ी है, इधर रोड है, इधर ना ये घनी झाड़ी है। हम साले गूगल मैप पे बना रही है जगह, तो तुम्हें बता रही है ना। ठीक है, अब कोर्ट में कबाई तू ही देगा उस मर्डर चोरी कराने वाले के बारे में, तू ही इसका स्केच बनवाएगा और तू ही बताएगा। तू बताएगा कैसे? तो बताने कहाँ गए वो लोग? ये कहाँ को लेके जा रही है? मूत तो लिया, और ये पुलिस वाला अपना उधर खड़ा है। तरीके प्लान है ये पुलिस वाले से बचने के लिए ना। रॉबर्ट 2 मूवी बहुत बढ़िया थी, लेकिन पूरी मूवी में एक कमी है, साला कहीं आवाज नहीं है कहीं पे भी। आवाज छोड़, मेन एक्टर दिखाई नहीं दिया रजनी का। मैं भोसड़ी का हल्ला मारा, मूवी को कॉपी करा जा रही है। ये क्या है? पानी की टंकी दिख है। टोटी टोटी ये देखे है टोटी। कौन है बे? चूतिया चूतिया, अब हम चूतिया हो गए बस। भौसड़ी के आरो का पानी क्या पीने लगा एक्सप्रेस वे पे, हम चूतिया हो गए। ए वसीम तो बार बार गाली ना बकता है, ये कुछ और ही कहना चाह रहा है। जैन की आवाज, अरे इधर जैन, इधर आ जा, इधर नाजिम दल्ले। भाई साहब ये मैं हूँ, मैं इनसे एड्रेस पूछ रहा था, इनसे बताया नहीं जा रहा, आप बता दो। ए भाई साहब ये तो तुमने काले पेपर पर काले पेन से लिख काला दिया, ये वसीम बता दे। वसीम भाई साहब इनका तो कुछ समझ में नहीं आ रही, आप बता दो एड्रेस, मैं पढ़ के बता देता हूँ। रेड लाइट गंडेली रोड के पीछे। अच्छा रेड लाइट गंडेली रोड, कुछ नहीं भाई साहब, ये भरी मार्केट में से निकल रहे लोग टहल रहे हैं ना यहाँ पे, भीड़ जो है मार्केट। भाई साहब तुम रहनी दो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। अरे भाई साहब मेरे आगे तो गूगल मैप भी फेल है। अबे नाजिम दलाल 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 दलाल, आवाज गुंजा रही है सुतरी के, पास में ही हूँ मैं। नाजिम दल्ले दल्ले, इधर ही हूँ। अरे वसीम पकड़ी इसे, कहाँ है? नाजिम दलाल दलाल। नाजिम सही कह रही है वसीम, मेरा कद्दू समझ में आ गया इसकी लैंग्वेज, मेरे सिर में गोली मार। अरे दादी आखिरी चिट्ठी दादी की। अरे कौन सी दादी, कैसी दादी, क्या समझा दिया वसीम ये? नैना जो मिल के ख्वाब देखते थे नैना, कॉपीराइट आ जाएगा, जाने मत जा। सर में पल के नीचते क्यों? अरे हुए जुदा, और चलाओ व्हाट्सएप। अरे सुतरी के वसीम सही से समझा दे, जहर में बंद हो गए तूने पहले मेरी दादी की 6 गोली मारी, उसके बाद तूने उनकी लाश को कुएं में फेंक दिया, उसके बाद तूने उन्हें गुड डे बिस्किट खिलाया, फिर तू मूवी दिखाने लगी हॉलीवुड की, फिर घर पे लाके तूने घड़ी के साबुन से उनकी लाश को धोया।
अब मैं तुझे दूंगा। काम हुआ या नहीं हुआ? शाम तक काम हो जाना चाहिए। रक्षा किसी ने चल भाई बता दे अब कहाँ है वो चीज। अंधे बैरक मुंगे बताया नहीं वो चीज तो मेरे पास भी नहीं है वो। सब हुआ ये कि हुआ ये था कि मैं वो चीज चुरा कर भाग रहा था और आप मेरे पीछे भाग रहे थे। भागते भागते मैं एक दुकान पर रुका और मैंने एक मंडल लिया और वो चीज़ मैंने उस मंडल में छुपा दी और मैं वहाँ से भाग गया। भागते भागते मैंने आपको चकमा दिया और मैं एक घर में घुस गया। मैं आपको वहाँ पर नहीं मिला और आप वहाँ से चले गए। फिर कुछ देर बाद वापस मैं उस दुकान पर गया, मैंने देखा वहाँ पर वो मंडल था ही नहीं। फिर मैंने उस दुकानदार से पूछा तो उसने कहा वो मंडल तो एक बुड्ढा ले गया। मैं उस बुड्ढे के यहाँ गया तो मैंने देखा आप उस बुड्ढे से पूछताछ कर रहे थे। मैंने आपको देखकर वहाँ से भाग गया, इसीलिए मैंने उन तीनों से वो मंडल चुरवाया था। तो मंडल तो फिर तुझे ही मिला ना वो? मंडल को मैं कब मना कर रही हूँ, लेकिन वो चीज़ तो नहीं मिली मुझे जो मैंने मंडल में रखी थी। हट हट कार के पीछे रिश्वत बट रही है। कहाँ बट रही है? पिछली बार चिंता मत करो, मेरा निशाना बिल्कुल माथे पे है, बिल्कुल माथे पे। काबिली से मिल रही थी क्या पार्ट टू? ऋतिक रोशन से बढ़िया खेल लिया। कौन है ये जिसने मेरी जान बचाई? 20 लाख रुपए मैंने बचाई है। छाती पर लगी है पुल। साले ने गांड पे गोली मारी है। हाँ गांड पर लगी है गोली। कितना भर के रेपटा मारूंगा, जिंदा उसके गोली लगी है। अंधा तू है, हम नहीं। मंत्री जी इस लैंड स्नाइपर ने गोली मारी है। हाँ मंत्री जी मैंने गोली मारी है। अब बेटे किसने मरवाई है गोली? ना बताऊंगा, ऐसे मिलेंगे उसने मरवाई है। तुम चिंता मत करो, तुमने हमारी जान बचाई। न्यूज चैनल पे लाइव इंटरव्यू होगा तुम्हारा। मंत्री जी 20 लाख रुपए का क्या? होटल बाप 35 अगले वाले टायर के। मंत्री जी यही है वो जिसने गोली चलवाई है। गिरफ्तार कर लो इसे और इन बच्चों का इंटरव्यू करवा। अब आया चारों हाथों में तुम, अब बताओगे कहाँ है वो चीज? इंटरव्यू इंटरव्यू के बाद देखूंगा। चल रहा हूँ मैं, तू बताओ। स्वागत है News 25 चैनल में। आज हम आपको ऐसे तीन महान दिग्गजों से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने हमारे देश की शान नहीं बल्कि मंत्री जी की गांड बचाई, मंत्री जी की जान भी बचाई है। मिलिए नाजी जैन वसीम। तो चलिए सबसे पहले पूछते हैं जैन से। तो जैन आप बताइए कि मंत्री जी को आपने कैसे बचाया? लंड बचाया। बिल्कुल सही बताया आपने। तो अगला सवाल हम पूछते हैं वसीम से। वसीम बताइए आपने मौका वारदात पे क्या देखा? अपने लफ्जों से बयां कीजिए। वसीम भाई कुछ बोलिए। बोलते भी नहीं आप, बोलिए ना। अबे ये कौन सी लैंग्वेज है? कुछ हो तो सही।
सर इसकी लैंग्वेज सिर्फ जैन समझता है। अब सच्चा मुसलमान ही सच्चा इंसान हूँ, तेरी छोटी सोच पे देने आया लग जानू, वीडियो में रॉकेट छोटे में विमान हूँ, चक्कर आ जाएगा चिमान वाला पान हूँ। जैन अब तुम ही बताओगे कि गोली किधर से आई थी, कितनी स्पीड थी और क्या आवाज थी? ना ना सर, स्विफ्ट डिजायर बढ़िया डीजल। अबे क्या हो तू, मैं किसका इंटरव्यू करवा गया था? नाजिम तुम मुझे बड़े समझदार दिख रहे हो, तुम मुझे बताओ वहाँ का माहौल कैसा था, तुमने क्या देखा? सर मैंने देखा कि हम तीनों गोवा के बीच पर खड़े थे और मंत्री जी गुच्ची के जूते और डेनिम की पैंट पहने हुए और स्नाइपर पीले कपड़ों में जिंदा, सर जैन के मत्थे पे गोली पड़ी है। बिल्कुल सही नाजिम, एक एक चीज तूने परफेक्ट बताई, एक एक चीज। विकास की शादी में वाकई में तेरा रंग का खाना चला था, पर ये बात तू बहुत गलत बोल लिया कि रसगुल्ला ठंडा था, अबे तू लेट आया था। ऐसे तरीके कौन विकास? अबे क्या करेगा इसे लेके, कुछ बोल नहीं है ये ना, बता तू क्या करेगा इसे लेके, कुछ बोल नहीं रिया, फ्रेम में नहीं आ रिया, बता दे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो हुआ ये कि सर हम तीनों एक उसमें खड़े थे पार्क में, वहाँ पे स्नाइपर घोंसड़ी के इतना मारूंगा ना, इंटरव्यू में बिल्कुल ना बोल लिया, पता ना क्या क्या चल लिया था। ना ना मेरा बर्थडे 12 को ना। सालों ने दिमाग खराब कर दिया। रामू एक चाय ले, ये दो मंगवा लो, दो लिए ये। सर दो क्यों, तीन मंगवा, हम भी पीएंगे। सुनाई भी दिया नाजिम, आपको भी चाय चाहिए क्या? और क्या ना सर, 3:43:34 हो गए, चाय का टाइम नहीं है पीने का। सालो इतना मारूंगा ना तुम तीनों को, चाय के नाम से उसे आवाज निकल रही है टन टनाटन, और इसे सुनाई बड़ी तेजी से दे रहा है, और साले तू सेकंडों के हिसाब से सेकंड भी एग्जैक्ट बिल्कुल एकदम ठीक बता रहा है। नाजिम चाय पी ले, आ गई कहाँ है? इसे मत पी, इसमें मक्खी गिर गई, इसे फेंक दे कोने में। कू एकदम कोने में फेंकी है ले। ऐसे फेंका इंटरव्यू में? निकल जा यहाँ से सालों, आज के बाद तुम्हें देख लिया तो आत्महत्या कर लूंगा, और मैं नौकरी छोड़ दिया हूँ, नौकरी नहीं करूंगा बिल्कुल भी, नौकरी छोड़ दिया हूँ मैं, नौकरी छोड़ दिया। सर एक बात पूछनी थी वैसे। हाँ पूछ। सर इंटरव्यू तो ऑफिस में ले लेते कम से कम, ये खुले गार्डन में लिया। सालो जहर खा लूंगा, किसी का इंटरव्यू ना लूंगा ऐसा। चले जाओ यहाँ से। बहुत तरस आ रही है आप उसी में इंटरव्यू वाले के ऊपर। ओ क्यों? अबे यार कितना बोलने की कोशिश कर रहा था वो अपने मुंह से, लौंडे का एक शब्द ना निकला मुंह से, बतेरा चीखा। अरे सुतरी के बहुत चीख रिया है वो, मुंह भर भर के गालियां दे रिया है, कौवा टूट गया साले का। क्या नाजिम पप्पू की लौंडिया देने लगी? पहले कभी ना दी उसने। बसीम एक बात तो बता यार, ये इंटरव्यू कौन से चैनल पर आगा अपना, मुझे देखना दिया होगा तो आएगा ना देखना उसे। अब मिले हो ना तुम तीनों अकेले, चुपचाप बता दो मेरी वो चीज कहाँ है जो मैंने मंडल में छुपाई थी। क्या चीज? वो चीज तुम तीनों में से किसी ने चुराई है, मुझे वो मेरी चीज वापस दो। नाजिम भिखारी बन गया ये, तुम मेरी चीज मुझे वापस करो। मैं साले कहाँ से दे मैं तुझे भीख, है ही ना हम पे एक रुपया ना, ये पता ना ये पढ़ा बस क्या है। अबे साले यही तो है वो चीज जो मैंने मंडल में छुपाई थी, 10 करोड़ का हीरा है ये। 10 करोड़ का हीरा? क्या 10 करोड़? हाँ तेरी भी तो आवाज निकल गई। ये छोड़ो सालो, कितना चमकदार हीरा है, सफेद है पूरा, वसीम बहुत महंगा भी बिकेगा, काम कर। 1 रुपया ना दूंगा किसे। ए इधर भाग। ये क्या कद्दू ले लेगी कोई पुलिस मुझसे ये हीरा। We'll be right back.
पुलिस वाले को क्यों लेके भाग रहा था? टांगे देखी एंड में पुलिस वाले को क्यों लेके भाग रहा था दोस्त समझ के? वो तो सही है, समझा इस तरह से नहीं बाबर में दोस्त खड़ा था ना, दोस्त चला गया, वो तो अंधा है, उसने बस हाथ पकड़ा पुलिस वाले को लेके भाग रहा। कसम से शुरू में ये इतना दर्द हुआ ना कि बाद में मैंने कंट्रोल किया अपने। नहीं नहीं भाई, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह पाक की, आंखें नाक कान जबान है ना, अपने फायदे में वो बोलता भी है, सुनता भी है, देखता भी है। वो वाला नाजिम है ना, वो बोलता वही चीज है लेकिन अपनी मर्जी से, काम होने के बाद होता है। अबे नाजिम काम होने के बाद उसे सुनाई देता, उसे बोलना वही होता है। मुझे लगता है कि हमने वीडियो में इतना भूल लिया और इतना हंस लिया कि मैं तो भूल जाती हूँ, लंबी है ये अलग बात है, बासित बार 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 बासित को टेंशन रहती है कितनी। पार्ट वन में गिरफ्तार किया, पार्ट टू में पुलिस वाले को लेकर आगे आगे होगी ना, ये तो खैर पुराना है, शायद पार्ट 3 आ जाए। हाँ होगी, वो तो हमें पता चल जाएगा जब आप लोग आएगा तो। हाँ कमेंट्स करेंगे, हाँ, बता ही देंगे, पता चल ही जाता है। खैर चलें ठीक है, चलें 5 लाख का, पाँच लाख का लाइक का चलें। खैर मुझे और अब्दुल बासित खान को इजाजत दीजिए, बहुत जल्द फिर से नई वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।